Good morning and welcome into day 13 of this ride, Ladakh 2019. Finally, the entire team is here. Woo! 2 days ka rest hone ke baad, we are again set to leave. Aaj ka plan hai, Leh se nikal ke Nubra Valley mein jane ka, jisme hum cross karenge world's highest motorable road, Khardung, which is at 18,380 feet. Everyone is set, luggage is set. Aaj thoda zyada time laga kyunki 2 days ka gap pad gaya tha. सब थोड़े डिले पड़ गए थे इंक्लूडिंग मी. तो द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 8:30 एंड वी आर ऑल सेट टू रोल. लेट्स गो. लेह से निकल के कहीं भी साइट सीइंग के लिए जाना है तो सबसे पहला काम जितना हो सके पेट्रोल जमा कर लो. टैंक फुल, जेरिकैंस फुल, जितना भी स्पेयर पेट्रोल आप कैरी कर सको, क्योंकि इंटीरियर्स में फ्यूल पंप्स नहीं है. ब्लैक में मिलता है लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं होता. सो अभी सबसे पहला काम पेट्रोल पंप. सी, सबको पता है क्या करना होता है. लंबी चौड़ी लाइन लगी है फ्यूल के लिए. टैंक और जेरिकैन मिला के 14.6 लीटर्स पेट्रोल बैठा. लेह में सिर्फ दो ही पेट्रोल पंप है मेन, उसमें से ये एक सिटी के सबसे नज़दीक वाला. बहुत भीड़ होती है फिर भी आधा घंटा गया इधर. वेल, नाउ वी आर स्टार्टिंग टूवर्ड्स खादुंगला. यहाँ से 40 किलोमीटर खारदुंगला टॉप. उससे पहले रुकेंगे साउथ पुलू चेक पोस्ट पे, वहीं पे नाश्ता भी होगा मोस्ट प्रोबेबली. फाइनली we are rolling in Ladakh. Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. Agar abhi tak bhi aapne subscribe nahi kiya hai, and by any chance if this is your first time here, please join our journey called Travel Life. You can do that simply by clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right here on the screen. और अभी हम चल रहे हैं ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड टूवर्ड्स द माइटी खारदुंगला. अभी थोड़ा आगे जाने के बाद अगर मैं ज़्यादा बोल ना पाऊँ तो समझ जाना, इट इज़ ड्यू टू हायर अल्टीट्यूड. सांस फूल जाती है, ज़्यादा फास्ट बात नहीं कर सकते, बट मैं पचर 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 करने की कोशिश करता रहूँगा. Let's go. Ten kilometers done, and we are still on a silky smooth tarmac. खारदुंगला की चढ़ाई का एक्चुअल मजा तब तक नहीं आता जब तक आप साउथ पुलू का चेक पोस्ट क्रॉस करके नहीं जाते. चेक पोस्ट तक तो पूरा ऐसा ही रोड है. Yes, the valleys go on becoming steeper and steeper. But still, smooth ride होता है. But once you cross the South Pulu checkpost, उसके बाद असली bumpy ride चालू होता है. 10-12 किलोमीटर ये आखिरी, लेकिन घर से यहाँ तक का पूरा सफर याद आ जाता है. What is that? We shall nobly save or meanly lose the last best hope on earth. कुछ समझा नहीं लेकिन अच्छा था. We've reached South Pulu here. Entry हो गई है सबकी, permit checks हो गए. That's the army checkpost just behind me. और यहाँ पे इकलौता एक ढाबा बचा हुआ है. What is that? Dogra Wet Canteen. अभी order दिया है 6 मैगी और 4 ब्रेड ऑमलेट. क्या क्या बना है देख लेते हैं. सर मैगी बन गया क्या? कुछ मैगी बन रहा है, मैगी बन रहा है इधर, और ब्रेड ऑमलेट उसके बाद बनेगा. ए बाबा काय घेतलं तो आम्हाला पण द्या. हो हो, भरपेट मैगी खाने का मतलब क्या होता है ना, आज देखा है 8 लोगों में 9 मैगी और 6 ब्रेड ऑमलेट. अभी शायद लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी. टाइम टू गो अहेड. खारदुंगला टॉप इज अनदर 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर.
अभी सांस फूलना चालू हो गया है। चलो लेट्स गेट अप एंड गो। Almost 4 kilometers after South Pulu, tarmac khatam. Lekin yahan pe bhi kaam chal raha hai double laning ka, matlab shayad agle 1-2 saal mein ye bhi tarmac hoga. We are just 4 kilometers away from K top now, and look at this. I can bet agle 2 saalon mein K top tak chamchamati hui tarmac wali road ban jayegi. खारदुंगला करना है तो अभी कर लो भैया और बहनों, बाद में तो बस बोर्ड ही बचेगी सेल्फी निकालने के लिए, बाकी मज़ा निकल जाएगा सब उसमें से। बट देन मज़ा करने के लिए नहीं है ये रोड, टारमैक इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि सीएचएन से कनेक्ट करने वाला इकलौता रोड है ये आर्मी के लिए। सो बेटर द रोड, बेटर द कनेक्टिविटी। बट एक बात जान के चलो, खारदुंगला का ऑफ रोडिंग का जो भी मज़ा था, थ्रिल था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। देयर यू आर, चैलेंज नंबर 7, छोड़ जा, चैलेंज नंबर 7 इन दिस राइड लद्दाख 2019, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड ओपन फॉर सिविलियंस, खारदुंगला। Been there, done that. चार साल में तीसरी बार, एक्चुअली चौथी बार, पहली बार में 2016 में दो बार किया था, यहाँ से नूबरा गए थे और वापस आए थे, सो टेक्निकली चार साल में चौथी बार। द टॉप ऑफ द वर्ल्ड खारदुंगला, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, एंड अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल हियर, वाओ। फाइनली डन इट, कितवांदा केलं सर? दिस इज 8th टाइम, मैं अभी बोल रहा था चौथी बार, ये 8वीं बार। बाय द वे मैं आपको एक मेंबर से मिलाना चाहता हूँ जो सुबह से मुझसे कट्टी लेके बैठा है, क्योंकि कल वाले मतलब लास्ट वाले व्लॉग में जो एंड शूट किया था उसमें मैंने उसको बोलने नहीं दिया था। मैडम आता बोल, आता मैं एडिट नहीं करना। दो दिन के बाद अब बोलने के लायक हो गई हूँ। हाँ एक्चुअली दो दिन तो सर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, ठंडी लग रही है, यही चल रहा था, बट नाउ शी इज एक्लिमेटाइज। गौर से देखो इनको, उनके पैर देखो कहाँ पे है, ऐसे कोई बैठ सकता है क्या बाइक पे? कुछ तो गड़बड़ है। दया इसकी जांच करनी पड़ेगी, अभी वो नॉर्थ पूल वाला चेक पोस्ट आ रहा है, वहाँ पे रुक के ना इसकी जांच करेंगे।
इतनी ठंड में खारदुंगला टॉप करके वापस आने के बाद नॉर्थ पुलू में ये लेमन टी, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। एक्चुअली नहीं चाहिए था मुझे, सबने इतना इंसिस्ट किया ना, रोक नहीं पाया। सो दिस इज खारदुंग विलेज, देयर यू गो द बोर्ड। दिस विलेज इज एट 14,100 एंड समथिंग, सॉरी व्हाट इज इट, 14,738 फीट। सो तकरीबन 3,000 फुट नीचे उतर गए खारदुंगला से, अभी और नीचे जाना है टुवर्ड्स नुब्रा वैली। इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्राइव हियर, क्लीन स्पॉटलेस रोड्स, टर्न्स, कॉर्नर्स, बहुत मजा आ रहा है। And look at the views. Khalsar is just 17 kilometers now. So another say 40 odd minutes. जो हो जाए, मुझे शॉर्टकट मारने से रहा नहीं जाता। कल एक शॉर्टकट फेल हो गया, लेकिन आज फिर लूंगा। बराच वेळ डांबरी रस्ता होता ना, राहुल नाही। जस्ट 3 किलोमीटर्स बिफोर खालसार, दिस इज द जंक्शन, जो श्योक वैली वाला रूट है। मतलब 2 दिन बाद हमें पैनगोंग के लिए इस तरफ से जाना है, और अभी न्यूब्रा के लिए इस तरफ। सी दिस माउंटेन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सैंड ओनली। We are entering into the sand dunes. थोड़े दूर है अभी, लेकिन यही से सैंडी सब दिखना चालू हो गया है। That's Diskit Monastery, and on the left side there's the statue. We'll be going towards the statue, not towards the monastery. यहाँ से कहीं से left लेना होता है। Ticket. We've reached here at Diskit. It's amazing place. See the view of Nubra Valley from here. सरकारे जागा द्या मला सगळ्यांच्या मधन। And on the other side is this, the statue of Lord Buddha. ऊपर जाके देखते अभी।
It's the sunset time, guys, and there can't be a better time to visit this place. Firstly, ये मूर्ति का नज़ारा और secondly, नूबरा वैली में सनसेट का नज़ारा. इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता. On the other side of this statue, there's this old monastery of the skit. पहाड़ों में जाके कैसे सब बनाते थे ना पता नहीं. ये देखो, जमीन पे सीधा प्लेन लैंड पे बनाने का पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं था शायद. ऑफ टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सैंड ड्यून्स ऑफ हंडर. वहीं पे जाके स्टे करना है. चलो हम तो चल पड़े टूवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे. नूबरा वैली में पहुंच चुके हैं. अभी जो रूट है अगले 7-8 किलोमीटर का, हुंदर सैंड ड्यून्स के पास जहाँ पे कैंप साइट पे पहुंचना है, वो पूरा सैंड ड्यून्स के साइड से जाता है. तो उसका नज़ारा हम गोप्रो में नहीं बल्कि 360 में एंजॉय करेंगे.